आपका स्वागत है। मैं अशफाक अली, देखते हैं आज की खास खबर। क्योस्क संचालक एवं शाखा प्रबंधक ने हड़पे पीड़ित परिवार से 52,000 रुपए। पीड़ित पक्ष के साथ आप पार्षद कुमारी दिव्या अहरवार ने एसपी सचिन शर्मा को सौंपा ज्ञापन। किशनगढ़ थाना अंतर्गत कुपी ग्राम की एसबीआई क्योस्क के संचालक और शाखा प्रबंधक बिजावर की मिली वर्ष से कुपी ग्राम की अनुसूचित जाति की 50 वर्षीय भूरी अहरवार ने उसके मृतक पति के खाते से 52,000 रुपये की राशि का गमन का आरोप लगाया। साथ ही पीड़िता का कहना है कि वह पिछले 2 साल से परेशान हो रही है, लेकिन गमनकर्ता सत्ता पक्ष भाजपा का बड़ा नेता है, इसलिए उसे न्याय नहीं मिल पा रहा। आज पीड़िता के पक्ष में आम आदमी पार्टी की बिजावर नगर परिषद की पार्षद कुमारी दहिया अहरवार ने जिला मुख्यालय पहुंच पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा को ज्ञापन सौंपा। आप पार्षद कुमारी दिव्या अहरवार ने सत्ता पक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि हर कहीं भाजपा के नेता कमजोर लोगों को दबाने लूटने नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी वार्ड नंबर 9 की पार्षद हूँ। पीड़िता बुढ़िया अहरवार, उनके पति की मृत्यु 12 फरवरी 2020 को हो गई थी। उनके पति का खाता एसबीआई बिजावर शाखा के तहत क्योस्क कुपी में था, जिसमें पीड़िता का नाती नॉमिनी था। पीड़िता के बड़े बेटे ने बिजावर शाखा से बड़ी मन्नतों के बाद बैंक स्टेटमेंट निकलवाया। बैंक स्टेटमेंट से पता चला कि पीड़िता के खाते से 14 सितंबर 2020 को 52,000 रुपये क्योस्क संचालक तथा शाखा प्रबंधक द्वारा फर्जी तरीके से निकाले गए, जिसका पता लगते ही पीड़िता और उनके बेटे सौदा अहरवान ने क्योस्क संचालक तथा शाखा प्रबंधक का विरोध किया, जिसके चलते क्योस्क संचालक तथा शाखा प्रबंधक ने पीड़िता और उनके बेटे सौदा अहरवान के साथ अभद्रता की। पिछले 2 सालों से क्योस्क संचालक तथा शाखा प्रबंधक पीड़िता और उनके बेटे सौदा अहरवान को मानसिक रूप से प्रताड़ित करते आ रहे हैं। गबनकर्ता बीजेपी का बड़ा नेता है, जिसके चलते पीड़िता को न्याय नहीं मिल पा रहा है। मैं देखती आ रही हूँ जिले में एससी एसटी पिछड़े वर्गों के लोगों को बीजेपी वाले पैसे, कहीं पैसे छीन लिए जाते हैं, कहीं उनकी ज़मीन छीन लिए जाती है, उनको डराया धमकाया जाता है, उनसे जबरन काम किया कराया जाता है। बीजेपी हर जगह से एससी एसटी के लोगों का शोषण कर रही है, जिसका आम आदमी पार्टी विरोध करती है। उक्त पीड़िता और अन्य सभी पीड़ितों के मैं साथ हूँ और मैं शासन प्रशासन से आग्रह करती हूँ इस पर सख्त कार्रवाई की जाए तथा पीड़िता को जल्द से जल्द न्याय दिलाया जाए। धन्यवाद।